हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षा.com। डेटा एनालिसिस इन पाइथन के इस वीडियो सीरीज में हमने बात कर ली थी सीरीज के बारे में, डेटा फ्रेम्स के बारे में, हमने कुछ बेसिक मैनिपुलेशन ऑपरेशंस देख लिया था दोनों सीरीज और डेटा फ्रेम्स के बारे में, उन्हें हम सॉर्ट करना सीख गए थे कि कैसे हम सॉर्ट बाय इंडेक्स और सॉर्ट बाय वैल्यूज करते हैं, कुछ ऑपरेशन जैसे कि सम, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस या दो डेटा फ्रेम्स को ऐड करना या दो सीरीज को ऐड करना भी हमने सीख लिया था। पर ये सब हमने किया था हमारी खुद की फाइल या खुद की सीरीज या खुद की डेटा फ्रेम्स बना के, मतलब हमने पांडास की लाइब्रेरी में जाके जुपिटर नोटबुक खोल के खुद की अपनी फाइल्स वहां पे क्रिएट की थी या डेटा फ्रेम्स वहां पे क्रिएट किया था और उसके बाद उन पे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किया था। पर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई प्री क्रिएटेड एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है जिसको आप मैनिपुलेट करना चाहते हो या जिसके डेटा के साथ आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखना चाहते हो कि अगर मैं इसको ऐसे हैंडल करता हूं तो क्या होता है, तो उसमें क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं उसमें। पहली बात कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस देखा है तो आपके पास कोई डायरेक्ट ओपन और फिर फाइल का नाम सेलेक्ट करने वाला ऑप्शंस नहीं आता है, तो इसकी जो थोड़ी सी जो एक्सेस करने की और ओपनिंग करने की जो टेक्निक है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी प्री क्रिएटेड एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, और अगले वीडियो लेक्चर में हम उनमें कुछ मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है उनको देखेंगे, एक तरीके से रिविजन रहेगा उसका, और फिर हम आगे की वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक पर्टिकुलर प्री क्रिएटेड फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसको जुपिटर नोटबुक में ओपन करके उसका डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम है न्यू सैंपल। अब अगर मुझे इसको अपने जुपिटर नोटबुक में खोलना है तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को मैं कॉपी करूंगा और मेरी जो भी होम डायरेक्टरी होगी या रूट डायरेक्टरी जो भी होगी उसमें जाके पेस्ट करूंगा। इसका मतलब है मैं सबसे पहले नेविगेट करूंगा दिस पीसी में, दिस पीसी में मैं जाऊंगा मेरे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में एक फोल्डर होता है यूजर्स का, उस यूजर्स के फोल्डर में जाके मैं मेरा यूजर नेम सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं जाके वहां पे कॉपी कर दूंगा इसको, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मेरी सी ड्राइव ओपन कर ली है। सी ड्राइव में जाने के बाद मैं जाऊँगा यूजर्स में, यूजर्स में जाके मेरा यूजर अनुभव सानियाल, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हो मैंने इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और मैं मेरी जुपिटर नोटबुक को ओपन करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया, ये इंटरफेस खुलता है जब आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हो। सो इसके बाद मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा कि न्यू सैंपल नाम का कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू सैंपल डॉट एक्स एल एस एक्स नाम का एक फाइल क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब है ये एक्सेल फाइल है जिसका नाम है न्यू सैंपल। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इस फाइल को क्लिक कर देता हूँ और उसको ओपन करता हूँ, तो अगर आप इसको क्लिक भी करते हो तो भी आपकी ये फाइल ओपन नहीं होगी, आपको ये एक एरर दिखा देगी, इसका मतलब आप इसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा है सेव डिसेबल्ड और सी कंसोल फॉर मोर डिटेल्स, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, इसका मतलब है कुछ स्पेसिफिक कमांड्स है जो आपको जाके टाइप करनी पड़ेगी जुपिटर नोटबुक में, जिसके बाद ही आप किसी एक्सेल फाइल या किसी सीएसवी फाइल को ओपन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक न्यू पाइथन 3 नोटबुक खोल लूंगा, वहां पे जाने के बाद मैं पांडास की लाइब्रेरी को ओपन करूंगा और पांडास की लाइब्रेरी में एक कमांड होता है ओपन अंडरस्कोर एक्सेल, और फिर उसका नाम जब मैं टाइप करूंगा तो वो अपने आप खुल जाएगा, वो फाइल अपने आप मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगा इम्पोर्ट पांडास, इसको रन करूंगा, विदाउट एरर ये रन हो चुका है। इसके बाद मैं अच्छा अब जो भी है जो भी एक्सेल फाइल है उसमें मेरे रोज और कॉलम्स हैं, तो जाहिर सी बात है मैं उसको डेटा फ्रेम्स की तरह ओपन करूंगा, तो मैं नाम लिखूंगा df1 इज इक्वल टू पांडास डॉट ओपन अंडरस्कोर एक्सेल, और यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा न्यू सैंपल डॉट xlsx, जो कि एक एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा इस कमांड को, तो ये कमांड भी विदाउट ओके यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो लेट मी चेक फॉर दैट सिंटैक्स एरर।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मेरा सिंटैक्स एरर मिल चुका है। मैंने इसको ओपन अंडरस्कोर एक्सेल कर दिया था जो कि कमांड होता है रीड अंडरस्कोर एक्सेल या रीड अंडरस्कोर सीएसवी। सो ये मेरा सिंटैक्स एरर था जो मेरी तरफ से फंडामेंटली मिस्टेक हो गई थी। आप इसका ध्यान रखिए कि आपको जो भी कमांड टाइप करना है सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी में जाकर आप टाइप करोगे पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल या रीड अंडरस्कोर सीएसवी। उसके बाद आप अपने फाइल का नाम टाइप करोगे जो कि है न्यू सैंपल डॉट एक्सेल एसएक्स। इसको जब मैं रन करूंगा ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद मुझे इस df1 को देखना है कि df1 कैसे दिखता है। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा df1, इस कमांड को रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ इस टाइप से कि यहाँ पे रोल नंबर है, मैथ्स के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स है और टोटल मार्क्स है। अब मैं इसमें जाके कुछ मैनिपुलेशंस क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये मैनिपुलेशंस मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आप किसी प्री क्रिएटेड फाइल को आप अपने जुपिटर नोटबुक में पांडास के थ्रू एसएसआर ओपन कर सकते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।